हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 12 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा है, मेजी पुनर्स्थापना के क्या कारण थे? जापान के सम्राट मेजी के अधिकारों का पुनर्स्थापन तथा शोगुनों के शासन का अंत जापान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। शोगुन शासन के अंत के साथ ही जापान ने एक नए युग में प्रवेश किया। सन 1867 में मुत्सुहितो नामक सम्राट टेम मेजी की उपाधि लेकर जापान की गद्दी पर आरूढ़ हुआ और इसी वर्ष उसके अधिकारों का पुनर्स्थापन भी हुआ और उसने राजशक्ति के संचालक का कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1606 ईस्वी में निरंतर शासन करने वाले तोकुगावा कुल के शोगुन के अधिकार समाप्त हो गए और सम्राट को अधिकारों से गौरवित तथा विभूषित कर उसे शक्तिशाली बनाया गया। हालांकि मेजी अल्पव्यय के कारण अपने परामर्शदाताओं के अभाव में था, फिर भी उसका मानसिक धरातल अत्यंत उच्च था। वह कठोर, परिश्रमी, कूटनीतिक तथा प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति था। अपने शासन काल में वस्तुतः उसी ने जापान को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। आधुनिक जापान के निर्माण का बीजारोपण भी इसी काल में हुआ। अगर सम्राट का पुनर्स्थापन नहीं हुआ रहता तो यह निश्चित था कि जापान भी चीन की तरह पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवादी चंगुल में आबद हो जाता। इतना ही नहीं, जापान के राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सुधार नहीं होते। अतः अनेक दृष्टिकोणों से मेजी पुनर्स्थापन का महत्व अत्यधिक है। पुनर्स्थापन के कारण। मेजी के अधिकारों के पुनर्स्थापन के पीछे वस्तु था 1858 ईस्वी की संधि ही थी, जिसे जापान ने अमेरिका तथा तत्पश्चात अन्य विदेशी राज्यों से किया। इस संधि में विशेषाधिकार तथा टैक्स संबंधी शर्तें राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से अपमानजनक थी। इसी संधि को तक्षण सम्राट ने स्वीकार नहीं किया, जिससे जापान के नागरिकों के मध्य उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। इसी समय लोगों ने यह सोचा कि जापान के शासन के लिए उसके राष्ट्रीय गौरव को अक्षुण बनाए रखने के लिए ऐसे ही सम्राट की आवश्यकता है, पर उन्हें देखकर पश्चाताप भी हुआ कि सम्राट अपने वास्तविक अधिकारों का भोग तथा उपयोग नहीं कर पाता है और शोगुन ही उसके अधिकारों को कार्यान्वित करते हैं। इसलिए लोगों ने सम्राट के पुराने अधिकारों की वापसी के लिए पुनर्स्थापन करना चाहा। सम्राट की प्रतिष्ठा बढ़ जाने से स्वाभाविक था कि शोगुनों की स्थिति खतरे में पड़ जाए। वस्तुतः इसी संधि के कारण जापान में शोगुनों के अधिकार समाप्त हो गए। इस समय शोगुन के विरुद्ध न केवल सत्सुमा, चोसू वगैरह सामंत ही थे, प्रत्युत जापान के सम्राट तथा नागरिक भी उनके विरुद्ध हो गए। यह असंतोष सम्राट के पुनर्स्थापन के लिए सिंगल का कार्य कर रहा था। इन सभी वर्गों के लोगों ने स्पष्ट रूप से यह कहना प्रारंभ किया कि शोगुन की दूरदर्शिता तथा कमजोरी के चलते ही जापान की राजनीतिक संप्रभुता खतरे में पड़ रही है और इसकी प्रतिष्ठा को विदेशियों ने एक हल्का सा धक्का दे दिया है। लोगों ने यह भी स्पष्ट करना प्रारंभ किया कि देश के शासन का वास्तविक अधिकारी सम्राट है, शोगुन ने। इस वातावरण का प्रभाव विदेशियों पर भी पड़ना प्रारंभ हो गया और तत्कालीन सम्राट क्यों ही अंतिम शक्ति मानकर किसी प्रश्न का विचार विमर्श करने लगे। लेकिन जनसाधारण का आक्रोश केवल शोगुन के प्रति ही नहीं थी, प्रत्युत विदेशियों के प्रति भी था। यह आक्रोश इतना तीव्र हुआ कि लोग खुले रूप से यह नारा भी लगाने लगे कि सम्राट की प्रतिष्ठा की जाए और विदेशी आशावियों को देश से बाहर निकाल दिया जाए। अतः इस पुनर्स्थापन के पीछे 1858 ईस्वी की संधि की अपमानजनक शर्तें थी। दूसरा कारण विदेशियों के प्रति घृणा की भावना थी। जापान के नागरिक तथा सरकार प्रारंभ से ही इन विदेशियों से घृणा करते आ रहे थे। जब से विदेशियों के चरण चिन्ह जापान में पड़ने आरंभ हो गए थे, तब से लेकर 1854 ईस्वी तक कभी भी जापान ने आंतरिक हृदय से विदेशियों से संपर्क बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। वे हमेशा सचेत रहे। यही कारण था कि वे अनेक बार विदेशी जलयानों पर गोलीबारी भी की गई। कमोडोर पेरिस से तो जापान ने तब संधि की जब उसे निकलने का कोई मार्ग दृष्टिगत नहीं हुआ। इसे अतिरिक्त कमोडोर पेरी के साथ एक अच्छी अमेरिकन सेना भी थी, जिससे जापानियों का डर जाना
स्वाभाविक था। इन विदेशियों को शोगुन सरकार कभी भी जापान से नहीं निकाल सकती थी, जैसा कि जापानियों तथा इन सामंतों ने अनुभव किया। इसलिए सम्राट की शक्ति बढ़ाना आवश्यक था, जो शोगुन का भी अंत कर सकता था और विदेशियों से भी संधियां कायम करने में अपनी दूरदर्शिता दिखला सकता था। जब मुत्सुहितो जैसा योग्य व्यक्ति जापान का सम्राट बना तो सामंतों को, जो तोकुगावा शोगुन के विरोधी थे, अपनी आशा फलवित नजर आने लगी। तीसरा कारण, तत्सुमा चोशु वगैरह सामंतों का तोकुगावा कुल से विरोध तथा ईर्ष्या की भावना थी। प्रायः जापान के सभी सामंत तोकुगावा कुल के सामंतों से ईर्ष्या करते थे और इसीलिए वे इस कुल के सामंतों के बढ़ते अधिकारों के नहीं देख सकते थे। विभिन्न सामंत कुलों को परास्त करके इयासु ने तोकुगावा कुल की नींव जापान में डाली थी और तभी से वे जापान के शासन में प्रभावशाली हो गए थे। इसके साथ ही वे अपना प्रभाव बढ़ाकर एदो को अपने शासन का केंद्र बना लिए और शासन करने लगे। तभी से परास्त सामंतों के हृदय में प्रतिशोध की भावना में जन्म ले लिया था। जब 1858 ईस्वी की अपमानजनक संधि होने के कारण जापान में सर्वत्र तोकुगावा शोगुन की निंदा होने लगी, तब इन प्रशस्त तथा दबे हुए सामंतों को अपने प्रतिशोध का बदला लेने का मौका मिला। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो सम्राट को शक्तिशाली बनाकर दरबार तथा शासन में अपना प्रभाव कायम करे, या अपने ही बंधु तोकुगावा कुल के सामंतों का शासन चलने दे। ईर्ष्या भावना के कारण उन्होंने अपने बंधु का साथ नहीं दिया और सम्राट की शक्ति में वृद्धि लाने के समर्थक बने। इसके अतिरिक्त इन विदेशियों से तथा तोकुगावा शोगुन से समुराई जाति के भावना से घृणा करती थी और मौका आने पर उनसे जूझने के लिए अस्त्र शस्त्र का भी प्रबंध रखती थी। इस प्रकार तोकुगावा शोगुन तथा विदेशियों के विरुद्ध जापान में यथेष्ट असंतुष्टि की भावना थी। असंतोष अब खूनी खराबी के रूप में भी प्रकट होने लगा। 1858 ईस्वी से लेकर 1885 ईस्वी के बीच जापानियों ने दो बार अंग्रेजों पर हमला तक कर दिया। इसी समय 1882 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटी जिससे विदेशियों के प्रति लोगों को और भी घृणा हो गई और सम्राट की शक्ति का पुनर्स्थापन करना भी जल्द आवश्यक हो गया। इसी वर्ष अपने अनुयायियों तथा जुलूस के साथ सत्सुमा राजधानी ये दो से अपनी रियासतों को यात्रा पर निकला था। जापान में यह नियम था कि जब कोई सामंत या उसका जुलूस सड़कों से गुजरता था तब लोग उसे रास्ते दे देते थे और रास्ते से हटकर सामान प्रकट करते थे। सत्सुमा सामंत की यात्रा के समय रिचर्डसन नामक अंग्रेज अपने 3 घुड़सवार साथियों के साथ जा रहा था, जो जुलूस के सामने पड़ गया। उसने सम्मान दिखलाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। इससे सत्सुमा सामंत ने अपना समझा और उसके समर्थक रिचर्डसन को जान से मार डाले। यह घटना पुनर्स्थापन का चौथा कारण मानी जा सकती है। इस घटना की खबर जब ब्रिटेन सरकार को मिली तो उसने जापान की सरकार से इसका स्पष्टीकरण चाहा और संतोष पर उत्तर न पाकर सत्सुमा की राजधानी कागोशिया पर आक्रमण कर दिया। कागोशिया पर भी क्षण गोलाबारी की गई। इस घटना से विदेशियों के विरुद्ध जापान के नागरिकों के हृदय से घृणा की भावना भर उठी। इन्हीं दिनों सम्राट ने विषमी की हवा का रुख अनुकूल पाकर विदेशियों को जापान से बाहर निकाल देने के लिए घोषणा निकाली। इस घोषणा के अनुसार पश्चात देशों के जहाजों को जापान में प्रवेश करने से मनाही कर दी गई। सम्राट द्वारा निकाली गई इस घोषणा का विरोध तोकुगावा शोगुन ने किया और उसने यह भी कहा कि इस घोषणा को किया रूप में परिणत करना असंभव है। तोकुगावा शोगुन के इस मंतव्य का खंडन चोशु सामंत ने किया। उसने यह कहा कि सम्राट की घोषणा क्रिया में परिणत की जा सकती है और उसने स्वयं इस कार्य का बीड़ा उठाया। चोशु कुल के सामंत का प्रभाव तथा शासन शिमोनोसेकी के जल डमरू मध्य के आसपास के क्षेत्रों पर कायम था, जहां विदेशियों के जहाज आते जाते थे। राजकीय घोषणा को क्रिया में परिणत करने के लिए चोशु सामंत ने, जो वस्तुतः राजा की तरह शासन करता था, अपने राज्य के कर्मचारियों को आज्ञा दी कि अगर कोई जहाज इस शिमोनोसेकी के जल डमरू मध्य से गुजरे तो उसे गोलाबारी के द्वारा क्षत विक्षत कर दिया जाए और
विदेशियों को हानि पहुंचाई जाए। इसी समय अमेरिका का एक जहाज जल डमरू मद से गुजरा। राज्य कर्मचारियों ने अपने स्वामी के आदेशानुसार इस जहाज पर गोलाबारी की। अमेरिकी जहाज नष्ट हो गया। जब अमेरिकन सरकार को इसकी खबर मिली तो उसने आक्रोश प्रकट किया और शिमोनेस्की पर आक्रमण करने के लिए कुछ सैनिकों के साथ एक जंगी जहाज को जापान भेज दिया। अमेरिका का साथ डच और फ्रेंच जहाजों ने भी दिया, क्योंकि इनके जहाजों पर भी गोलाबारी की गई थी और इशू के चलते एक राजदूत की भी हत्या कर दी गई थी। फलतः इन देशों ने जापान पर सम्मिलित रूप से आक्रमण कर दिया। बाद में हॉलैंड भी इनके साथ मिल गया। जापान के जंगी जहाज पश्चात देशों के मजबूत जंगी जहाज की तुलना में कमजोर थे। फलतः सत्सुमा, इशु, हिजन वगैरह समांतर तथा इन प्रभावशाली व्यक्तियों ने अनुभव किया कि पश्चात देशों से युद्ध करने में जापान को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए वे उनसे संधि ही कायम करने का प्रयत्न किए। इसी कारण इन लोगों ने विदेशियों से यह वादा भी किया कि वे अपने दुर्गों का पुनः निर्माण नहीं करेंगे और ना वैदेशिक जहाज़ों को क्षति ही पहुँचाएंगे। उन्होंने विदेशियों की $30,00,000 भी देने का वचन दिया। इसे जापान में विदेशियों को पुनः प्राप्त हुआ। इस कारण से भी सामंतों ने सम्राट की शक्ति का पुनर्स्थापन करना चाहा। इन घटनाओं से तोकुगावा शोगुन की शक्ति भी छीन हुई और सत्सुमा, चोशु वगैरह सामंतों की प्रतिष्ठा जापान की राजनीतिक और सम्राट के दरबार में बढ़ गई। सारे देश में अव्यवस्था भी फैलने लगी। ऐसी ही परिस्थिति में सन 1887 ईस्वी में मेजी के नाम से मुत्सुहितो जापान की गद्दी पर आरूढ़ हुआ। संप्रति इसकी उम्र केवल 14 वर्ष की थी, फिर भी इसकी बुद्धि तीव्र थी। इतनी ही कम उम्र में उसने ऊंची शिक्षा पाई थी और इसी का परिणाम था कि वह इस अल्पायु में जापान की राजनीति को भी समझ लेता था। अतः सामंतों ने सम्राट की शक्ति की पुनर्स्थापना करना चाहा और शोगुन के नाम एक आवेदन पत्र लिखते हुए यह आग्रह किया कि वह मेजी के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करे और उसके पक्ष में अपने सारे अधिकारों का त्याग कर दे। आवेदन पत्र पर शोगुन सरकार विचार कर रही थी कि पुराने शोगुन राजा की मृत्यु हो गई और 1888 में नया शोगुन, जिसका नाम केकी था, अपने पद पर आया। उसने यह अनुभव किया कि तोकुगावा कुल के प्रति जापान के नागरिकों की तनिक भी सहानुभूति नहीं है। अतः सम्राट के प्रति सारे अधिकारों का त्याग कर देना आवश्यक है। अनेक चिंताओं तथा आलोचनाओं को लेकर वह अपने कार्यालय से चिपका रहना नहीं चाहता था। अतः केकी ने सम्राट के प्रति भक्ति प्रदर्शित की और 14 अक्टूबर 1887 ईस्वी में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देकर उसने अत्यंत बुद्धिमानी का कार्य किया। एक तो सम्राट अपने समस्त अधिकारों को समेटकर शक्तिशाली बना, जो जापान के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। दूसरे, उसने विभिन्न सामंतों के आवेदन पत्रों की प्रतिष्ठा की और जनमत का आदर किया। तीसरे, त्यागपत्र देकर उसने अपने कुल की भी भविष्य की आलोचना से रक्षा की। इस प्रकार करीब 250 वर्षों से आने वाला शोगुन का शासन जापान में समाप्त हुआ और सम्राट को सारे पुराने अधिकार मिले। जापान के इतिहास की यह एक युगांतकारी तथा क्रांतिकारी घटना थी। अब पुनर्स्थापन का समय आया था। केकी ने त्यागपत्र दे दिया था और शासन चलाने के लिए एक नई व्यवस्था करनी थी। इसके लिए सम्राट स्वयं दचित हुआ। गद्दी पर बैठते सम्राट ने परामर्श दाताओं की सूची में सत्सुमा, चोशु, हिजन, तोशा आदि कुल के सामंतों के नाम रखे गए। इस समय चोशु कुल में कीदो और ईतो, सत्सुमा कुल में साइगी तथा ओकुदा, तोशा में इतागाकी तथा हिजन में ओकुमा नामक समान प्रभावशाली माने जाते थे। संजो और इबाकुश भी पुनर्स्थापना में सहयोग दिए। अतः परामर्शदाताओं के रूप में सम्राट ने इन्हें ही रखा। इन व्यक्तियों से ही सम्राट के अधिकारों का पुनर्स्थापना संभव हो सका। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।